नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी निकाय चुनाव पास, विपक्ष को नहीं आस। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि अब राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराने का दावा किया है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में राज्य में तय समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व के आदेश के अनुपालन में निकाय चुनाव के कार्यक्रम के संबंध में भी जानकारी मांगी है। बता दें कि पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से ये बताने को कहा था कि प्रदेश में कब तक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर ली जाएगी और निकाय चुनाव कब तक संपन्न करा लिए जाएंगे। वहीं मंगलवार को हुई सुनवाई में अपर सचिव शहरी विकास नितिन सिंह भदौरिया कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि सितम्बर के पहले सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। वहीं अब इस मुद्दे पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि उससे भरोसा नहीं है कि 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव शुरू भी हो पाएंगे। कांग्रेस का तर्क है कि ओबीसी आरक्षण और परिसीमन का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में 25 अक्टूबर तक भी निकाय चुनाव हो पाएंगे उस पर सस्पेंस है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि निकाय चुनाव पास, विपक्षों को नहीं आस। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के इस खास रिपोर्ट पर। जल्द निकाय चुनाव हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कोर्ट में निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक कराने का दावा किया है। प्रदेश के अपर सचिव शहरी विकास नितिन सिंह भदौरिया ने ये जानकारी नैनीताल हाईकोर्ट में दी है। आपको बता दें कि इस मामले में संबंधित जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व के आदेश के अनुपालन में निकाय चुनाव के कार्यक्रम के संबंध में जानकारी मांगी। पूर्व में कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा कि प्रदेश में कब तक राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कर ली जाएगी और निकाय चुनाव कब तक संपन्न करा लिया जाएगा। इस पर नितिन सिंह भदौरिया ने कोर्ट को अवगत कराया कि सितम्बर पहले सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति हो जाएगी। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार तो ये चुनाव जो है 5 साल के भीतर, यानी एक दिन भी आप आगे कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते, ये संवैधानिक व्यवस्था है। और वो जो है 2 दिसंबर को पूरा हो रहा था, यानी 2 दिसंबर तक जो है नए चुनाव गठन हो जाने चाहिए, चुनावों का गठन हो जाना चाहिए था पालिकाओं का, और उसके बाद ये सारी संवैधानिक स्थिति थी। लेकिन उत्तराखंड में प्रशासकों की नियुक्ति 2 दिसंबर को कर दी गई, जिसकी सीमा भी जो है 2 जून को समाप्त हो रही थी। अब यहाँ माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में इसलिए आना पड़ा याचिकाकर्ताओं को ताकि ये सरकार अपनी संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करें, जबकि अभी उसमें अवमानना याचिका भी दाखिल हुई है। और अब स्थिति यह है कि सरकार बयान पर बयान देती जा रही है। अब स्थिति ऐसी भी हो गई कि क्या स्टेटमेंट पर भरोसा किया जा सकता है, जैसे पूर्व में कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं एडवोकेट जनरल राज्य सरकार की पैरवी करते हुए, और आज भी ऐसा स्टेटमेंट आया है कि 25 अक्टूबर तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा या कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं बचा है कि वो स्टेटमेंट पर भरोसा करने के अलावा को क्या करें। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से न्यायालय को बताया गया कि अभी कोई राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है, तो जिस कारण से चुनाव समय पर संपन्न कराने में कई परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही कुछ नए नगर निगम और नगर पंचायतों का गठन हुआ है, परिसीमन भी नया हुआ है। तो माननीय न्यायालय ने आज राज्य सरकार से पूछा कि आप राज्य निर्वाचन आयुक्त कब नियुक्त करेंगे, तो महाधिवक्ता महोदय ने न्यायालय को आश्वस्त किया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इस महीने के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगी और उसके बाद चुनाव 25 अक्टूबर तक संपन्न करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 सितंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हीं प्रशासनों को के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद भी धामी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था।
वहीं एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गर्मी है। कांग्रेस का तर्क है कि ओबीसी आरक्षण और परिसीमन का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में 25 अक्टूबर तक भी निकाय चुनाव हो पाएगा, इस पर सस्पेंस है। दो तीन बार प्रदेश के नागरिक भी और पत्रकार भी जो है मूर्ख बनाए गए। प्रेमचंद अग्रवाल ने दो बार पहले भी बयान दिया कि हम बाद में, फिर वो मुकर गए। आज भी मैं जो इन्होंने 25 अक्टूबर तक की बात कही उसमें मुझे शंका है, क्योंकि अभी कारण कब होगा तो मुझे लगता है एक बार फिर पलटू अपनी बात से पलट जाएगा। सरकार की कोई मंशा निकाय चुनाव को टालने की नहीं है और हमेशा सरकार चुनाव के प्रति गंभीर है। चुनाव समय से कराए जाने के लिए तैयारी पूरी हो गई है और अब चुनाव के लिए हम तैयार हैं और सरकार भी तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय चुनावी मोड में रहता है, कोई ना कोई किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर हम जनता के बीच में जाते रहते हैं। और जनता में हम केवल चुनाव के लिए नहीं जाते, सेवा भाव के लिए भी जाते हैं, सेवा के काम भी करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार चुनाव के लिए एकदम तैयार है, जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा तुरंत चुनाव होंगे। देखिए, सरकार को निकाय चुनाव समय से करा देना चाहिए और मैं समझता हूँ कि जो विधानसभा के दो उपचुनाव हुए थे उनमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दोनों स्थानों पर हुई थी। उसकी डर की वजह से ये बार बार निकाय के चुनाव को टाल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जब निकाय के चुनाव होंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो देश में और प्रदेश में माहौल है उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः शिकस्त होगी। और जो इंडिया गठबंधन है, जो हमारे इंडिया गठबंधन के दल अगर वो अलग अलग भी लड़ेंगे तो उनके प्रत्याशी जीत करके आएंगे। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर निकाय चुनाव पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। एक ओर जहां सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रही है और 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराने का दावा भी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अभी भी सरकार के दावों पर भरोसा नहीं पा रहा है। सवाल ये है कि क्या सरकार का जल्द निकाय चुनाव कराने का दावा सही है? आखिर कब सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगी और कब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी? उत्तराखंड नेक्स्ट रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में है, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। पीसी थपलियाल साहब है, वरिष्ठ नेता है यूकेडी की ओर से, और कुलदीप राणा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ में करना चाहेंगे, राजेंद्र चौधरी जी है। राजेंद्र जी, ऐसा क्या है कि सरकार के कहने के बावजूद आपको लग रहा है कि निकाय चुनाव पूरे नहीं हो पाएंगे? एक तरफ सरकार कह रहा है, एक तरफ कोर्ट की ओर से जब कहा गया, हालांकि सरकार ने भी तब कहा जब कोर्ट की ओर से कहते ना कि सख्ती की गई है, लेकिन आपको आज अभी भी क्यों नहीं है, क्या वजह आखिर इसकी? नहीं गरिमा जी, दरअसल ये जो न्यायालय में विवाद चल रहा है, वाद जो चल रहा है, ये लगभग इसे 6-7 महीने हो और इसमें बार बार कभी समय मांगा गया, कभी परिसीमन की बात कही गई, कभी ओबीसी आरक्षण की बात कही गई। सच्चाई ये है कि जब से ये दो तीन जगह जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उससे पहले इन्होंने लोकसभा चुनाव का बहाना किया, टाइम बढ़ा दिया। और मैं आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने हाई कोर्ट में कुछ भी लिख के दिया हो, 25 अक्टूबर तक भाजपा चुनाव नहीं कराएगी, और अगर कराती है तो हम उनका स्वागत करते हैं। उसका कारण है कि भाजपा जो है फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। देहरादून में एक बिटिया के साथ जो है बलात्कार हो गया, हल्द्वानी में हो गया, चंपावत में हुआ, अंकिता भंडारी है, जो हमारी पहाड़ में आपदा हुई है, केदारनाथ यात्रा प्रभावित है,
यात्रा प्रभावित होने की वजह से व्यापारी और जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं वो प्रभारी वो सब लोग परेशान हैं। बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, पलायन है, किसान दुखी है और जंगली जानवरों से पर्वतीय मूल का किसान दुखी है। तो जो मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है उसे ये लोग ठीक करना चाह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी जो इनके खिलाफ माहौल बना हुआ है। और भाजपा इस मुकालते में नहीं है कि लोकसभा चुनाव जो वो जीते हैं पांचों की पांचों उसमें राज्य सरकार के नाम पे एक भी वोट नहीं डाली, सारी वोट जो है वो मोदी जी के चेहरे पे और हिंदू मुसलमान के फैक्टर पे। अब ये लोकल चुनाव है और इस लोकल चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, चाहे कल चुनाव हो जाए चाहे एक महीने बाद हो जाए। और इसमें जो निकाय चुनाव है, नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर परिषद, इनमें कांग्रेस और विपक्षी दल बहुत बड़े पैमाने पर जीत के आएंगे। भाजपा डरी हुई है, भाजपा का इस समय जो है आप देखो शहरों में, क्योंकि ये नगरीय क्षेत्रों में बिजली इतनी महंगी होगी लोग दुखी हैं, यूजर चार्जेस अलग है, टीवरेज चार्ज अलग है, वाटर चार्जेस अलग है, हाउस टैक्स इन्होंने जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। लोगों भाजपा के लोगों के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए जो है ये अभी इसमें कुछ समय बढ़ा के उसके बाद करेंगे ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ठीक है, देखिए कांग्रेस पार्टी की ओर से यही राय सामने आ रही है कि अभी बीजेपी चुनाव नहीं करा पाएगी, इस पर हम राय सत्यवीर जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, उनकी भी राय जानते हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। थपलियाल साहब, देखिए निकाय चुनाव को लेकर बहुत लंबे वक्त से तारीखें बढ़ती जा रही थी, कांग्रेस या विपक्षी लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहे थे कि इनको डर लग रहा है इसके चलते ये चुनाव नहीं करा रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष था जो कह रहा था कि चुनाव कराना हमारे हाथ में नहीं है, आप चुनाव आयोग से कहिए, ये विवाद पुराना है, बाद में कोर्ट को दखलअंदाजी करनी पड़ी और अब ये आ गया है कि डेडलाइन दे दी गई है कि इसके भीतर आपको चुनाव कराना है। सत्ता पक्ष कह भी रहा है कि हाँ कराए जाएंगे, लेकिन विपक्ष को अभी भी आस नजर नहीं आ रही, क्या वजह है कि आखिर इतना हताश विपक्ष हो गया है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कोर्ट को, न्यायपालिका को, विधायिका को कहना पड़ रहा है, सरकार को कहना पड़ रहा है कि तुम अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हो। बहुत बड़ी विडंबना है। और एक अधिकारी को वहां जवाब देकर, सरकार का जो अधिकारी है वो वहां जवाब दे रहा है हाँ साहब हम 25 अक्टूबर तक कर देंगे, लेकिन इनकी जो प्रतिबद्धता वहां पे सवालिया निशान लग जाता है, जहां पे कोर्ट को बोलना पड़ता है कि तुम अपने जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है राज्य चुनाव आयोग का उसकी नियुक्ति कब करोगे। देखो कितने लापरवाह लोग हैं, जिसने काम करना था, जिसके निर्देशन में ये तमाम तैयारियां होनी थी, वो पद ही खाली रखा हो जिन लोगों ने, तो वो लोग कैसे हैं जो लोग हमेशा झूठ बोल बोलकर इस राज्य की देवतुल्य जनता को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। आपने देखा होगा इनका भय उस समय भी दिखा जब सब जगह चुनाव हो रहे थे, लेकिन अभी ये केदारनाथ के चुनाव से भी भाग गए। केदारनाथ चुनाव में डर गए कि जिस तरह से बद्रीनाथ और मंगलोर है उस तरह की स्थिति केदारनाथ में ना हो, लेकिन कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी ये देखना, क्योंकि जनता समझ चुकी है इनके झूठे चेहरों को। जो समय समय पर आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि जो साफ सामने आ रहा है, जो मुख्यमंत्री चिल्लाकर कह रहा है कि अब देश में कहीं भी केदारनाथ के और बद्रीनाथ के नाम पे कोई मंदिर नहीं बनेंगे। देखिए आप, जैसे कि ये मुख्यमंत्री नहीं है प्रधानमंत्री, वो पूरे देश का कानून उत्तराखंड का सरकार संचालित कर रही है और उन्हीं ख्यालियों में इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी। 2 साल से उछल उछल के उस टोकरी को सिर में रखकर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब उत्तर प्रदेश में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, इस राज्य को क्या बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी क्या? जब महंगाई तो इस समस्या, शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाली में कोई सुधार होगा उस टोकरी से, जिस टोकरी को लेकर ये मुख्यमंत्री घूम रहा है और उस टोकरी के माल को बेच नहीं पा रहा है, वहां भी वो टोकरी वैसी की वैसी रह गई। अब सवाल उठता है इन तमाम चीजों के जो मुख्यमंत्री का रवैया इस
राज्य की जनता ने देख लिया, तो उसमें विपक्ष ये सोच रहा है कि 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो स्थिति बननी चाहिए थी वो नहीं बनी है। मुख्य चुनाव आयुक्त इन्होंने अभी नियुक्त करना है, उसके बाद कभी जो काम करेंगे तभी काम करेंगे, नहीं तो ये तो एक ही आदमी कूद रहा है हर जगह, जहां देखो एक आदमी हर मंत्रालय में टांग अड़ाकर घूम रहा है। तो उसके घूमना जब तक एक जवाब दे लोगों का, एक मंडल, एक मंत्रालय राज्य में काम करते हुए नहीं दिखेगा, अधिकारियों का वर्किंग ईमानदारी से नहीं दिखेगी। लेकिन वो ईमानदारी आए कहां से जब ऊपर का पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में आतंक डूबा हुआ है, जहां सवाल खड़े कर रहे हैं उत्तराखंड की जनता की, भाई उद्यान में तुमने 600 करोड़ का घपला किया उसका जवाब दो, जहां बोल रहे कि तुमने शेर घाप में तुम्हारे मंत्री ने बेईमानी की है, किस तरह से ठेकेदार को वहां पे बेईमानी से तुमने ठेका दे दिया है, उसका जवाब नहीं। तुम्हारे जो निकाय आप ये जिसके लिए चुनाव होने हैं और वहां वार्डो में फर्जी तौर से तनख्वाह दी गई है सफाई कर्मचारियों को और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है, उसका जवाब नहीं। जब जवाब नहीं दे रही है तो हम इनको सरकार माने क्यों, क्यों माने इसको सरकार जो आज जिनका स्थायी राजधानी हमें नहीं दे पाई है, वहां 3 दिन की नौटंकी करने के लिए वहां पहुंच गया, क्योंकि केदारनाथ के चुनाव कहीं हार ना जाए हम, इसलिए वहां नाच रहे हैं 3 दिन के लिए गैरसैंण में। ये बेईमानी कब तक करते रहेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन इस राज्य की जो 42 आदतों के बाद ये राज्य मिला है ये धोखे में हो गया। इन धोखों इन लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अंधेरों में धकेल दिया है इस राज्य को, और ये राज्य निश्चित रूप से आने वाले समय में जब इनको बात को समझेगा, इनका मुखौटा उतरेगा, तब इनको चुनाव में मुक्त तौर जवाब देगी। ठीक है, निश्चित तौर से हम। लेकिन सर चुनाव में तो हम यही, ठीक है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर चुनाव में जनता जवाब दे रही होती तो आज जो ये बड़ी मजबूती के साथ बोल नहीं रहे होते। चुनाव कोई भी होता है बीजेपी तो लगभग पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर देती है विपक्ष का, तो वहां पर थोड़ा सा सारी बातें विपक्षों की धरी रह जाती है। खैर इस पर हम सत्यवीर सिंह चौहान जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। श्री गिरीश तिवारी जी, यहां के स्थानीय पार्षद श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, भारतीय सेना के यहां पर उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा जी, लेफ्टिनेंट जनरल करता साहे जी, मेजर जनरल सरिल सेठ जी, मेजर जनरल समर चौधरी जी, मेजर जनरल जे देवनाथ जी, मेजर जनरल करमाकर जी, ब्रिगेडियर वीके सिंह जी, ब्रिगेडियर भूषण अस्थाना जी, ब्रिगेडियर अनिल वासुदेव जी, भारत माता के महान सपूत कैप्टन जो 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में शहीद हुए थे, उनके पूज्य पिता श्री रवि प्रताप सिंह जी, पूज्य मां श्रीमती मंजू सिंह जी, परिवार के अन्य सदस्यगण और उपस्थित लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों भाइयों, आज हम सब भारतीय सेना के एक जवान नायक कैप्टन बरकत सुमार सिंह को उनकी प्रतिमा स्थापना के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले इस अवसर पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के सदस्यगण, उनके पूज्य माता जी, उनके पूज्य पिता जी, परिवार के अन्य सदस्यों का मैं हृदय से
हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण इस अवसर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं नगर निगम लखनऊ को धन्यवाद देता हूं कि सुकेश्वर चौराहे के सूत्रीकरण कराने की एक बृहद योजना उन्होंने हाथ में ली है और इस चौराहे को उन्होंने भारत माता के समान सपूत कैप्टन अंशुमान सिंह की स्मृति को समर्पित करते हुए उनकी प्रतिमा को यहां पर स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि 19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन में अपने सहयोगियों को बचाते हुए शहीद हुए थे। वो यदि देश अपनी स्वाधीनता की रक्षा तभी कर सकता है जब वह अपने अतीत को स्मरण करते हुए अपने बहुत सारी क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करता है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत माता के महान सपूत हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और इसीलिए हर भारतवासी के मन में अपने सेना के सभी जवानों के प्रति अपार सम्मान और स्नेह का भाव छुपा होता है। यह स्नेह और सम्मान का भाव हमारे सैनिकों के उत्साह को उनके परिवारजनों के उत्साह को कई गुना बढ़ाता है। आज क्षण हमारे सामने है जब हम कैप्टन अंशुमान सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नगर निगम ने इस पूरे क्षेत्र की सुदृढ़ीकरण की एक बृहद योजना अपने हाथों में ली है और अवसर पर मैं इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी जो पंचकरण का संकल्प हम सबको दिलाया है उसमें से एक संकल्प सैनिकों का सम्मान का भी दिलाया है। अगर हम अपने सैनिक का सम्मान करते हैं तो अपनी सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं और यह भाव हम सबके मन में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार तो लखनऊ से तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर शहीद अंशुमन सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जहां लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं लेकिन विपक्ष है जो अभी प्याज खोए बैठा हुआ है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अब शुरुआत करेंगे सत्यवीर सिंह चौहान साहब के साथ में, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सत्यवीर जी, देखिए विपक्षों को आपने सुन लिया, मैं दोनों विपक्षी इसलिए कह रही हूँ, राजेंद्र चौधरी जी कांग्रेस से है, थपलाल साहब यूकेडी से है, आपकी राय जानेंगे उसके बाद जाएंगे कुलदीप जी के पास में। फिलहाल देखिए आपने ऐसी हालत कर दी है कि आपके कहने के बावजूद विपक्षी मानने को तैयार नहीं है। अब तो कोर्ट की दखलंदाजी भी हो चुकी है लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि हमें कोई आस नहीं है क्योंकि इनकी ओर से कोई काम नहीं किया गया, कैसे चुनाव करा देंगे ये इस डेडलाइन के भीतर? गरिमा जी, सबसे महत्वपूर्ण तो आज आपके दर्शकों को आपके चैनल की तरफ के जो वहां पर रिपोर्टर गए होंगे वो देख ही रहे होंगे जिस प्रकार से घेसण में जो आंदोलनकारियों की जो हृदय स्थली है वहां पर विधानसभा का सत्र चल रहा है और हमारी सरकार ने ही उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी का भी घोषित किया था और वहां पर
सत्र चल रहा है। बड़ा अच्छा है कि अभी हमारा यहाँ पर जिस प्रकार से आपदा भी आई थी, हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से उसमें काम कर रही है। और जो विषय है आपका कि जो नगर निगम के चुनाव हैं, वो हमारा जो संवाद कोर्ट के माध्यम से भी हो रहा है, कोर्ट हमसे संवाद कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण गरिमा जी ये है कि जब उत्तराखंड में ये नगर निगम के चुनाव कार्यकाल खत्म हुआ, उसी बीच में आचार संहिता लगती है लोकसभा चुनाव के, तो हमारे लगभग लगभग सभी अधिकारीगण, चाहे वो कर्मचारीगण हो, वो लोकसभा में लग गए थे, उनकी ड्यूटियां लोकसभा में लग गई थी। तो नगर निगम का किसी प्रकार का भी वो, चाहे परिसीमन का काम हो, चाहे आरक्षण का काम हो, चाहे अन्य जो काम हो, वो कुछ काम भी उस समय नहीं कर पाए क्योंकि लोकसभा के काम करने थे। उसके बाद आपके यहाँ पे उत्तराखंड में जब थोड़ा कार्य आगे बढ़ता है कि लोकसभा के चुनाव संपन्न होते हैं, उसके बाद उत्तराखंड के विभिन्न भागों में आपदा आ जाती है। उसमें हमारा लगभग लगभग हमारे चाहे सेना के जो हमारे चाहे SDRF हो, NDRF हो, वो सारे दल, वो उनका चुनाव से तो उतना वो नहीं है, मगर फिर भी जो अन्य कर्मचारी गण थे उनको आपदा के कार्यों में जाना पड़ा। तो विलंब इस वजह से भी हुआ, मगर किसी प्रकार से भी हमारी ये इच्छा नहीं है कि हम चुनाव ना करवाएं। हमने जब भी संवाद हुआ है, हमने जो इलेक्शन कमीशन ने हमको अपडेट किया है और जो सरकार जिन कार्यों में लगी, हमने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, कोर्ट ने एक भी बार हमारी बात को क्वेश्चन नहीं किया। और गरिमा जी एक और मैं बात बता देता हूं, उत्तराखंड में अभी लास्ट कैबिनेट हुई, उससे पहले एक और कैबिनेट हुई, उसमें यह तय किया गया कि चाहे पिथौरागढ़ हो चाहे अल्मोड़ा हो, वहां पर बहुत लंबे अरसे से ये मांग थी कि इसको नगर निगम में कन्वर्ट किया जाए, उस नगर निगम को भी उनको भी अब नगर निगम का दर्जा दिया गया। और अभी तक जो पुराने नगर निगम है उसमें 97 से अधिक ऐसे वार्ड है जहां पर हमने की पूरा का पूरा कार्य कर लिया है, और कुछ ही ऐसे बचे हैं नगर निगम में जो वार्ड जिनका कार्य पूरा नहीं हुआ है। वहां पर कल जो जिस प्रकार की हियरिंग हुई, किसी प्रकार का वहां पर विरोधाभास उत्पन्न नहीं हुआ। हमारी सरकार पूर्ण रूप से जिस प्रकार से काम कर रही है, हमारे सरकारी तंत्र बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक विषय इन्होंने कहा कि आज को इनको तमाम एजेंसियों पे गरिमा जी आज विश्वास हो रहा है, चाहे कोई भी एजेंसी ले लो, वो एक पत्र बस हमको थमा दे कि चाहे जब भाजपा शासित राज्यों में कहीं भी एक पत्र कोई भी एजेंसी थमा दे तो बोलते हैं कि देखे इनको एक पत्र थमा दिया है। कांग्रेस केवल इसी से उत्साहित हो जाती है। अगर ये इसमें उत्साह अपना देखना चाहती है तो मुझे इसमें किसी प्रकार का विरोधा इनके प्रति मुझे कोई कुछ कहना नहीं है। एक और विषय इन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार का विषय इन्होंने कहा, गरिमा जी कल के अखबार आपने पढ़े होंगे, सारे मीडिया चैनलों ने वो कवर करा। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि 32 सालों के बाद जो राजस्थान में 1990-1990 के दशक में घटता है, 32 सालों के बाद वो फैसला आता है और उसमें किस पार्टी के सारे लोग पाए जाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता एक बार मुझे बता दे कि उन लोगों को इन्होंने एक बार भी उसका कट करने का कहा कि हमारे जिस प्रकार का इन्होंने कृत्य किया है वो मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। उस समय के चाहे इनके चाहे वो इनके पार्टी के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे फारूक चिश्ती हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो अनवर चिश्ती हो, चाहे इनके पार्टी के प्रदेश सचिव हो, वो सर ठीक है ये सारे मुद्दे, लेकिन आप निकाय चुनाव पर नहीं बोल रहे हैं सत्यवीर जी। निकाय चुनाव में फिलहाल आप ठीक है अपनी बातें गिना रहे हैं, केस गिना रहे हैं, केस तो हम भी बहुत से जानते हैं इस तरीके के, कितने सारे मामले आए आपके। उत्तराखंड में अंगिता भंडारी का मामला ले लीजिए, आप दूसरे राज्यों की बात करें, पहले अपने कहते ना कि सबसे पहले तो अपने क्षेत्र अपने आसपास की चीजों को अगर हम देख लें। गरिमा जी हमारे प्रदेश में अगर किसी प्रकार की भी घटना हुई, हमने त्वरित कार्रवाई करी है और अदालत को सौंपा है जुडिशियल। तो ये कब नहीं कहते कि हमारे प्रदेश में कोई घटना हुई तो हम कार्रवाई से इनकार कर रहे हैं, या हम ये हर कोई यही कहता है ना कि हमारे दल का भी कार्यकर्ता निकले तो आप सख्त सजा दीजिए। तो मुद्दा वो नहीं है, निकाय चुनाव पर आप बात कीजिए। गरिमा जी निकाय चुनाव में उन्होंने इस पे प्रश्न उठाया, इसलिए मेरा कोई इसमें उत्साह का मेरा ये विषय नहीं कि इस प्रकार के विषयों को बेमोड़ इसमें उठाया जाए। वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया क्योंकि उनकी आदतें ही है इस प्रकार की। तो मैं बता रहा हूं कि 32 साल के बाद जो जिनको भी जो अब सजा हुई है वो सारे कांग्रेस के थे, यूथ विंग के सारे वो थे। और ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, मैं इसके साथ इस पे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि अपनी इनकी पार्टी की दादी का खेड़ा छत्तीसगढ़ से आप देख लिए किस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए थे, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी उनके साथ किस प्रकार से मथुरा में हुआ था, वो सब अगर उठा के देख ले तो पता चल जाएगा कि महिलाओं के प्रति कितने सेंसिटिव है। उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं, हम नगर निगम के कार्यों के जो ओबीसी चाहे रिजर्वेशन का हो चाहे उनका सीमांकन का हो, परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है, परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है क्या, परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है, ये भी कह रहे हैं कि भाई काम पूरा नहीं हुआ तो कैसे चुनाव हो गया, आप सीधे सीधा उस पर बात करते हैं ना।
अब गरिमा जी जो कार्य करने की गति है उसमें बहुत तेजी तेजी आई। मैंने आपको बताया पहले लोकसभा चुनाव थे, फिर उसके बाद आपदा उत्तराखंड में आपदा। चलिए आज आपने कम से कम ये स्वीकार किया कि हाँ हमारी वजह से देरी हो रही थी। सुन लीजिए, नहीं नहीं सुन तो लीजिए, मेरे को पूरा सुन तो लीजिए, क्या ये किसी से छुपा हुआ है क्या? लोकसभा के चुनाव नहीं हुए, इतने बड़े स्तर पे चुनाव हुए, उसमें पूरा जितना भी तंत्र वो आचल चले जाता है। उसके बाद उत्तराखंड में आपदा आई, कांग्रेस तो उस आपदा में भी जब इस प्रकार पता था कि इस प्रकार से उत्तराखंड में इतना सेंसिटिव है, उसके बाद भी एक तथाकथित यात्रा को सुचारू करने में लगी हुई थी। उस यात्रा में इतना विलंब, जब घटना घटती इनको भी निकालने का, रेस्क्यू करने का काम किया, मतलब जो औरों को निकालने का समय था वो इनको निकालने में लगा। अब जो वहां राहत के कैंप लगे थे वहां पर भी इन्होंने धरपकड़ करना शुरू कर दी, वो तो अच्छा हुआ कि इनको लोगों ने वहां से भगाना शुरू करा। अब जो कार्य है, जो नगर निगम का जो कार्य है उसमें बहुत तेजी आई है। मैंने आपको बताया 97 से अधिक उसमें काम हो चुका है, 7-8 बचे और जो दो नए और बने हैं उनका जल्द हो जाएगा। अब पूर्ण तेजी के साथ काम हो रहा है। अब किसी भी चीज में हमारा जो अमली जामा है वो दूसरे चीजों में नहीं है, अब वो केवल नगर निगम में लगा हुआ है। आने वाले समय मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार का कोर्ट में एक 6 सितंबर को फिर एक हियरिंग है, उसके बाद सारा का सारा आपको सामने स्पष्ट हो जाएगा। हमारी सरकार इस समय पूर्ण रूप से, और एक और चीज बताता हूं, जब से चाहे कार्यकाल खत्म हो, प्रशासक बैठे हो, किसी प्रकार की ये सुनने को आपको मिली हो, कांग्रेस के समय का उठा के देख लीजिए कि अगर प्रशासक बैठा तो किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती थी। एक भी स्थिति बता दीजिए कि जो उससे जुड़े हुए जो संबद्ध कार्य है उन संबद्ध कार्यों में किसी प्रकार की भी त्रुटि पाई हो, किसी भी प्रकार का कोई अभी तक हंगामा देखने को मिला हो, किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपको कार्यालयों में जाने पर मारामारी दिख रही हो। कुल मिला के ये है, कांग्रेस जो है केवल ये देख रही है कि कब कैसे, जैसे केदारनाथ की चुनाव यात्रा के लिए, जैसे मैं इसको अन्यथा मत लीजिएगा, जैसे वो देखे कब चुनाव की घोषणा हो, कब वहां पर हम जाएं और कब हम वो करें, उससे यात्रा तो भंग हो गई इनकी। एक कहा जाता है कि हमारे उसमें कि जो गिद्ध होता है वो गिद्ध क्या था, मंडराता रहता है, वो देखता है कि ये जानवर कब मरेगा, वैसे ये भी तारीखों की तैयार वो कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, मगर चिंता ये नहीं कर रहे उत्तराखंड में जिस प्रकार की रचनात्मक विपक्ष की एक भूमिका होनी चाहिए, केदारनाथ में या अन्य भागों में जिस प्रकार की विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष कह तो रहा है, विपक्ष सीधे तौर पर आपसे पूछ रहा है, विपक्ष सीधे तौर पर पूछ रहा है कि बताइए ये तरीका है, परिसीमन के कार्य नहीं हुए, बाकी के कार्य नहीं हुए, अब चुनाव कैसे करा लेंगे इस डेडलाइन के भीतर, वो तर्क की बात कर रहा है जबकि आप जनरलाइज बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, मैंने सब स्थिति आपको स्पष्ट हो गई है। हाँ ठीक है सर, अभी आगे आपसे और अपडेट लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हमारे साथ में। कुलदीप जी, क्या वजह है कि विपक्ष कह रहा है कि नहीं कर पाएंगे, इसके पीछे तर्क वाली आप बात बताइएगा कि परिसीमन के कार्य जो अब तक टलते आए, एक तो वो विपक्ष कह रहा है कि अभी नहीं हुए तो कैसे करा लेंगे अक्टूबर के पहले ये चुनाव, और दूसरा ये कि देखिए आज सत्यवीर जी कम से कम यहां पर बैठकर ये कह तो रहे हैं कि हाँ भाई लोकसभा के चुनाव हो रहे थे फिर हम आपदा में थे, वरना अब तक की चर्चा में यही कहते थे कि वो हमारा काम नहीं है, वो चुनाव आयोग का काम है, अब उसके लिए चुनाव आयोग से कहिए कि आखिर क्यों चुनाव नहीं हो पाए। आम जनता भी कह रही थी कि भाई ये क्षेत्रीय और शहरों की सरकार का चुनाव है तो डर तो लग रहा है, क्योंकि शहरों में लोग जब चुनाव करेंगे, जब वोटिंग होगी तो ये नहीं सोचेंगे कि राष्ट्रीय नेता कौन है, राष्ट्र में कौन नेतृत्व के लिए चाहिए, तब तो शहरी आसपास के मुद्दे, साफ सफाई, ये सब चीजें नजर आएंगी, सड़कों की हालत नजर आएगी, तो क्या वो डर था वाकई में? क्या है फिलहाल सच्चाई, क्या अपडेट है अभी तक? देखिए गरिमा, आज वो मुझे एक सनी देओल की फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, इसमें वो कोर्ट में कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख मिलोट, तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन न्याय नहीं मिलता। ठीक है, वही स्थिति इस समय निकाय चुनाव को लेकर के उत्तराखंड में बनी हुई है। ठीक, और आज की डिबेट में मुझे पहली बार बड़ा अजीब सा लगा कि भाजपा के प्रवक्ता या तो तैयारी करके नहीं आए, क्योंकि आज विपक्ष में ना तो राजेंद्र चौधरी जी की यहाँ पे जरूरत महसूस हो रही है, ना ही प्रकाश थपलियाल जी की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता ही अपनी पार्टी के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं जी। उन्हें जिन जैसा आपने कहा कि उनको मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ठीक है, और उन्हें मुद्दों से हट करके बातचीत करी, इससे जनता में विश्वास कम होता है राजनीतिक दलों के प्रति। ठीक है, और वैसे भी चीजों को लेकर के कुछ समय में जो हालात बने हैं, ऐसे में भाजपा को थोड़ा गंभीर होकर के और भाजपा प्रवक्ताओं को गंभीर होकर के विषय को रखना चाहिए, जो गंभीरता आज नहीं दिखाई दी यहाँ। देखिए 30 जून को हम चुनाव करा लेंगे, ये हलफनामा सरकार ने हाईकोर्ट में दिया, ठीक, और हमने आप ही के चैनल पे गरिमा, आपको ध्यान होगा कि शायद आप भी थे उस डिबेट में,
यहाँ भाजपा की तरफ से कोई अधिवक्ता थे बैठे हुए, और जब मैंने इनसे ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि चुनाव अभी संपन्न हो पाएंगे, ये सितंबर या अक्टूबर तक ये चुनाव जा सकता है, ठीक है, तो तब उन्होंने मुझे कहा था टोकते हुए कि भाई हमारी सारी तैयारियां हो गई है, हमने कोर्ट में हलफनामा दे दिया है, आप कैसे कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम 30 जून तक चुनाव करवा लें। ठीक, आज फिर वही बात निकल के आ गई है कि 25 अक्टूबर की तिथि हुई, ये बात हम पहले भी तो कह रहे हैं। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के दो स्थितियां हो सकती हैं जब निकाय चुनाव टाले जाते हैं। पहला है शासकीय स्थितियां, प्रशासनिक स्थिति, जिसमें जो निकाय चुनाव में जो जनगणना होनी है या परिसीमन होना है या निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होनी है या आरक्षण के आधार पर व्यवस्थाएं होनी है, ठीक है, ये एक प्रशासनिक कारण है जो है। दूसरा कारण होता है राजनीतिक कारण, कि जो सत्ता पक्ष का जो दल है वो चुनाव के लिए तैयार है या नहीं है, ठीक है। यहां पर पहला वाला कारण और दोनों दूसरा वाला कारण दोनों समान रूप से दिखाई दे रहे। पहला कारण यह है कि अभी परिसीमन को लेकर के चीजें अधूरी हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति नहीं हुई। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिस एजेंसी ने चुनाव करवाने हैं उस एजेंसी का मुखिया ही नियुक्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में एजेंसी किस आधार पर किन चीजों के बाद उसको गाइड कौन करेगा, ठीक है, तो वो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, वही यहाँ पर अभी कटघरे में है, ठीक है। और ये क्यों इतनी देर तक टाला जा रहा है, क्यों राज्य को राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं दिया गया है अभी तक, उसमें पद नियुक्ति क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। कौन सा वो चहेता व्यक्ति है जिसके लिए वो पद अभी तक खाली है, ठीक, क्योंकि वो पद काफी पहले खाली हो चुका। दूसरी चीज ये है कि ये बात सही है कि भाई राज्य में आपदा आई है, चीजें हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले उत्तराखंड में निकाय चुनाव नहीं हुए हों, इससे पहले भी निकाय चुनाव हुए और चीजों को लेकर अपनी व्यवस्था का स्थितियों पर ही हुए, ठीक है, और भाजपा ने भी कराए हैं 2007 से लेकर के 13 के बीच में, कांग्रेस ने भी कराए हैं और फिर भाजपा ने भी कराए हैं, ठीक है, लेकिन इस समय स्थितियां दूसरी उलट दिखाई दे रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भले ही उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली हो, लेकिन उसके ठीक 1 महीने के बाद हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, और बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक जो भी दल सत्ता में रहा है वो कभी उपचुनाव नहीं हारा है, चाहे वो कांग्रेस के समय में हुए उपचुनाव हो चाहे भाजपा के समय हुए उपचुनाव, भाजपा के समय जो उपचुनाव हुए वो भाजपा जीती है और कांग्रेस के समय जो उपचुनाव हुए कांग्रेस जीती है। ये पहली बार हुआ कि जब भाजपा सत्ता में थी और उसके बावजूद भी दोनों उपचुनाव हार गए, ठीक, तो इससे पता चलता है कि राज्य में कहीं ना कहीं राज्य में भाजपा को लेकर के एक थोड़ा सा नाराजगी जरूर है, और सरकार और पार्टी यह बात जान रही है, समझ रही है, ठीक है। उस नाराजगी के कई बड़े फैक्टर्स हैं जिनमें व्यवस्थाओं को लेकर के तो बात है ही है, एक बड़ा फैक्टर देहरादून नगर निगम के जो मेयर हैं वर्तमान मेयर, उनकी स्थिति भी है, ठीक है, जो उन पर आरोप लगे हैं आज से अधिक संपत्ति इकट्ठी करने को लेकर के, जिस पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया था और तो वो मामला विजिलेंस में भी अभी है, गतिमान है, ठीक है। उसके अलावा कोरोना काल में भी जो सैनिटाइजर को खरीद को लेकर के भी कुछ आरटीआई में सूचनाएं बाहर आई और वो सूचनाएं भी कटघरे में खड़ा करती रही हैं नगर निगम को, तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो एक बड़ी नाराजगी के रूप में जनता के सामने। ऐसे में अगर अपने जो ग्राउंड लेवल का जो चुनाव है नगर निगम का, अगर उस चुनाव में भाजपा की स्थिति कमजोर होती है तो ये प्रदेश नेतृत्व के लिए भी और प्रदेश संगठन के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, बिल्कुल, क्योंकि जैसा हमने देखा है उत्तराखंड में, लेकिन ऐसे में विपक्ष जो कह रहा है तो कहीं ना कहीं क्या विपक्ष की बात में मजबूती नजर आ रही है, विपक्ष जो कह रहा है कि अब ये नहीं करा पाएंगे चुनाव अगर ऐसा होता है। देखिए, इस समय विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं वो वास्तव में वाजिब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थितियां कटघरे में है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो तर्क की बात कर रहे हैं ना कि भाई ये वजह है कि आप चुनाव नहीं करा पाएंगे, और उन वजहों का कोई भी स्पष्टीकरण हम कह ले आम भाषा में तो वो नहीं दे पा रहे हैं ये सत्ता पक्ष वाले कि भाई कैसे चुनाव हो जाएगा। ठीक है
ठीक है कुल, हाँ इस समय हम भाजपा पे जो थे कि वो मजबूती के साथ चीजों को रख सकते थे, लेकिन वो स्थिति भाजपा की तरफ से भी इस समय कमजोर दिखाई दे रही है। ठीक है सर, ठीक है, कुछ कह रहे हैं सत्यवीर जी, उनको सुन लेते हैं। सत्यवीर जी, उसके बाद जल्दी से कांग्रेस के पास जाएंगे। सत्यवीर जी बताइए, विपक्ष ठीक नजर आ रहा है? गरिमा जी, कुलदीप जी ने कुछ प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड में कोई दल सत्ता में है और वो उपचुनाव में उसको पराजय देखनी पड़ी। तो हाँ। उत्तराखंड में बहुत कुछ नया हो रहा है गरिमा जी, आप हमारी देख लीजिए कि अगर चुनाव की दृष्टि से, पंचायत के चुनाव की दृष्टि से हरिद्वार की भूमि में ही हमारी कभी भी स्थिति नहीं रही कि हमने कभी वहां ब्लॉक प्रमुख बनाया, कभी हमने वहां जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, छह के छह ब्लॉक प्रमुख हमारे बने और पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी बना। और मंगलौर विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ वहां हमारी हमेशा जमानत ही जब्ती होती थी, इस बार देख लीजिए हम इतने शानदार तरीके से वहां पे चुनाव लड़े, हमें दो केवल 422 वोट का अंतर रहा जीत और हार का। और यही नहीं, जिन्होंने कहा कि ऐसा नया नया हो रहा, मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड में बहुत कुछ नया हो रहा है। 2017 में पहली बार इस राज्य ने पूर्ण बहुमत की सरकार देखी, फिर पहली बार ऐसा होता है कि भाई जो सत्ता में है उसकी दोबारा से सत्ता आती है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ ही आती है। और ये भी पहली बार हुआ है कि पांच सांसद पहले चुन के आए, फिर चुन के आते, फिर चुन के आते हैं। और ये भी पहली बार हुआ कि पांच तीनों के तीनों राज्यसभा सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के। बहुत सारी चीजें गरिमा जी यहां पर उत्तराखंड में परिवर्तन हो रही है। ये भी परिवर्तन देखने को मिला है उत्तराखंड में, हरीश रावत के समय पे जो मुख्यमंत्री कार्यालय होता था वो भ्रष्टाचार का केंद्र होता था, आज मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड के प्रगति और गौरव का केंद्र बन गया है। ये बहुत सारे परिवर्तन आया और व्यापक रूप से ये उत्तराखंड की जनता ने देखा है, उसी का आधार बनाते हुए हमको ये सारे परिणाम हमारे 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 पक्ष में आ रहे हैं। और मैं जहां तक ये कहता हूं कि जहां तक ये नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें भी गरिमा जी आप रिकॉर्ड करके लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे बहुत बड़े अंतर से जितने भी विपक्ष में हमारे होंगे उनको पराजय देखने को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। और जिस आप बड़े अंतर से जीत जाएंगे, ठीक है, वो तो बहुत दूर की बात हो गई ना, अभी तक तो चुनाव कराने से डर लग रहा था, विपक्ष ये कह रहा है, आप कह रहे हैं जीत और हार तक आप पहुंच गए, आप चुनाव करा पाएंगे कि नहीं चर्चा हम उस पर कर रहे हैं। अभी कुलदीप जी ने वही बात कही थी और अब फिर अपने दूसरे सवाल के जवाब में भी वही चीज दोहरा रहे हैं कि आप जनरलाइज बातें कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मजबूत है, ये कर देंगे वो कर देंगे और हम जीत जाएंगे। गरिमा जी मेरे को 30 सेकंड देखिए, विपक्ष है कहां? हम तो हर बार कह रहे हैं कि विपक्ष है कहां? मैं तो ये हमारा सवाल हमेशा पूछता हूँ, ना विधानसभा के अंदर दिखते हैं ना अन्य कहीं जगह विपक्ष दिखता है, जब वो तो रावण भी ऐसे नहीं, तो क्या चाहते हैं आप, विपक्ष खत्म हो जाए? विपक्ष तो होगा ना, विपक्ष जनता के बीच में है और विपक्ष जब तक है तब तक ही लोकतंत्र है, तो ये कहना रावण कौन था मुझे भी पता है। ठीक है सर, अभी 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 उससे आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़िए, आप कह रहे हैं विपक्ष कहां पर है, विपक्ष है तो लोकतंत्र है ना, तो वो ठीक है, हार जीत लगी रहती है, बहुत से राज्यों में आप नहीं हैं, तो इसमें ये कहना गलत, मतलब गलत है ना पूरी तरीके से, जो बात जिस चीज पर हो रही है उस पर तर्कों पर बात कीजिए, आप जनरलाइज बातें करें। मैंने पहले ही कहा था कि भाई जब अभी कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र जी ने बोला कि हम ऐसा करेंगे, तो हमने कहा कि सर चुनाव के वक्त तो नतीजों में आप नजर नहीं आते, मैंने भी उस बात को स्वीकारा, लेकिन ये कहना विपक्ष कहाँ है उस बात से क्या फर्क पड़ता है? विपक्ष जनता के मुद्दे उठा रहा है ना, विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है और आपको जवाब देना पड़ेगा, जनता विपक्ष है अगर आप समझिए तो। विपक्ष तो अगर अगर आप अगर आप कह ही रहे हो कि उत्तराखंड के अंदर विपक्ष में, हमारी दृष्टि में तो कहीं विपक्ष है नहीं, हाँ ठीक, लेकिन अगर आप जनता की बातों को सुनेंगे ना तो भी आपको फिर आप ये नहीं कहेंगे कि विपक्ष कहाँ पर है, ये बहुत ही बिल्कुल बेकार बात आप कर रहे हैं। गरिमा जी वो तो ढूंढती फिर रही है, उनको उनको ऐसे ऐसे चश्मे ले रखे हैं कि विपक्ष कहीं तो दिखे, विपक्ष ठीक है सर, ठीक है, विपक्ष को जब आप देखेंगे और विपक्ष को जब आप सुनेंगे ना तो आप बेहतर काम कर पाएंगे और एक मजबूत सरकार बनेंगे। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में, कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र जी हमारे साथ में, उनका रुख कर लेते। सत्यवीर जी अब हो गया, आप प्लीज सत्यवीर जी, ठीक है अब हो गया आपकी बारी, राजेंद्र जी के पास आते हैं, काफी देरी हो गई। राजेंद्र जी, विपक्ष कहां है ठीक इस लिहाज से मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि देखिए आज आप मौका दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष तो कहीं नहीं है, ये सवाल उठाते रहते हैं कि कोई भी चुनाव होता है चाहे विधानसभा का हो लोकसभा का हो सारी सीटें तो वो जीत कर ले जाते हैं ना, और जब विपक्ष मजबूती के साथ में चीजें उठा रहा है, जनता के मुद्दों को उठा रहा है, तो आखिर ये क्यों निकल कर आ रहा है, कहां कमी रह जा रही है, उस पर भी काम कीजिए। गरिमा जी, विपक्ष कहां है कहां नहीं है ये तो जब निकाय चुनाव होंगे और उसका परिणाम आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसका अगर निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रहे, मैं आपको आप 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं बताऊं। बिल्कुल सर, जैसे ही
निर्वाचित अध्यक्ष लोग हटे हैं, प्रशासक आए, वो सरकार के हाथ में तमाम नगर निकाय चली गए। अब दूध देती गाय, अक्टूबर में अभी जो मार्च के बाद जितनी सड़कें टूटी हुई हैं, जितना जो है निर्माण होना है, सबके टेंडर इस महीने हो रहे हैं, उनपे अगले महीने काम शुरू होगा अगस्त सितंबर में बरसात के बाद, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उनका भुगतान होगा। तो वो जो दूध देने वाली गाय है वो ये दूसरे के खूंटे पे तो बांधने के नहीं आए, बांधेंगे नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं राणा जी की बात से सहमत हूँ, मैं थपलियाल भाई की बात से भी सहमत हूँ, ये चुनाव मार्च के बाद होंगे। ये सतवीर भाई कुछ भी कह दे, ना इनकी वहां कोई बात सुन रहा, ना इनके कहने से कोई सलाह मशवरा तक वहां कोई निर्णय। कांग्रेस तोड़ना है ये, दूसरी दिल्ली जाना पड़ेगा, 10 जनपद। हाँ जाना। दूसरी चीज क्या कि इस समय जो वर्तमान की जो सरकार है वो सत्यवीर जी 10 जनपद वाली बात तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बीजेपी के बारे में पता नहीं है लोगों को, बीजेपी में ऐसे ही लगता है कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं की बात पर सारे फैसले हो जाते हैं। सर ये 10 जनपद वाली बात बड़े नेता कहते हैं तो गरिमा जी मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए चाय का स्टॉल लगा देंगे। ये तो बीजेपी के बारे में आम जनता भी जानती है कि फैसले कहां से होते हैं, आम जनता भी जानती है। चलिए ठीक है, मुझे उस पर बहस नहीं करनी है, बस आपने कहा तो मैंने भी उसमें बीच में बोला। चलिए ठीक है, हाँ राजेंद्र जी को जल्दी से उनकी बात पूरी करने देते। राजेंद्र जी मैं अपनी बात पूरी, हाँ सर बिल्कुल भाई को जानकारी दी। इस समय जो विधानसभा सत्र हो रहा है वो मात्र 3 दिन का है, 21, 22, 23। 21 कंडोलेंस में आज चला गया, 22 और 23 500 सवाल माननीय विधायक गणों ने लगाए हैं, उसमें पक्ष के भी हैं और विपक्ष के भी हैं। 2 दिन का समय है और सबसे बड़ी बात यह है, ये एक ऐसा सत्र होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी प्राय सोमवार को सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है सर, ठीक है, एक ये नौटंकी होगी इसमें जो है नगर निकाय। ठीक है, सत्र पर सर चर्चा कर चुके, राजेंद्र जी सत्र पर हम चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, अभी फिलहाल 3 दिन का सत्र, उस पर हमने खूब चर्चा की है। चलिए ठीक है, कुलदीप जी के पास में जाते हैं। कुलदीप जी, जैसे कहते हैं ना डेडलाइंस आ रही है, एक तरफ कोर्ट ने कह दिया अक्टूबर तक करा लो, अभी राजेंद्र जी कह रहे हैं मार्च के पहले तो ये करा ही नहीं सकते, मतलब हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि मतलब बिल्कुल कहते ना डेडलाइन दी जा रही किसके पहले तो हो ही नहीं सकता। तो मैं व्यस्त है ना गरिमा, सरकार जो है कुलदीप जी से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रोग्राम है, ठीक है, पैसा पैसा पैसा। हाँ कुलदीप जी से जवाब ले लेते। कुलदीप जी देखिए, ये मार्च में होगा चुनाव या फरवरी में होगा चुनाव ये तो अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं इतना जरूर है कि अक्टूबर में चुनाव की संभावनाएं बनती हुई नहीं दिखाई दे रही इन चीजों पे, क्योंकि पहले तो उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति है, दूसरा वार्ड का परिसीमन है, तीसरा जो आरक्षण का विषय, कई सीटें ऐसी होंगी जो महिला हो जाएंगी, ठीक है ना, कई वार्ड रिजर्वेशन में आ जाएंगे, रिजर्वेशन कैटेगरी में आएंगे, उनका भी निर्धारण होना है, उनके भी मानक हैं, ठीक है, तो उन सारी चीजों को लेकर के जो नई व्यवस्था है वो इतनी जल्दी बनती तो नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, दूसरी चीज ये है कि नहीं, इसमें कोई दोराई नहीं है कि भाई भाजपा शुरुआत से ही एक इलेक्शन मशीन की तरह काम करती रही और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसमें परफेक्ट है, इसमें कोई दोराई नहीं, लेकिन इस समय जो स्थितियां हैं इसमें कहीं ना कहीं चीजें भाजपा के पक्ष में जाती भी नहीं दिखाई देती, शायद यही वह कारण है कि संगठन कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के उतना एक तरह से गंभीर कहें या उतना उसमें नहीं है, एक आत्मविश्वास में नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। जहां तक देखिए कांग्रेस में जो ये उत्साह है उसका कारण है कि उसने दो उपचुनाव जीते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए गरिमा यहाँ पर एक बड़ा सच ये भी है कि ये दोनों उपचुनाव भले ही भाजपा हारी है क्योंकि भाजपा चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा को चुनाव में नहीं हराया, बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने कांग्रेस को चुनाव में हराया है, क्योंकि जो वहां पे कैंडिडेट थे जो कांग्रेस से आए थे वो भाजपा में आकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस से ही वो पहले विधायक थे, तो वर्तमान कांग्रेस विधायक ने निवर्तमान पूर्व कांग्रेस विधायक को ही हराया, और वही स्थिति मंगलौर में है कि मंगलौर में कांग्रेस ने वहां पर बीएसपी को हराया, क्योंकि भाजपा कभी वहां कॉम्पिटिशन में रही नहीं आज तक, ठीक, तो कांग्रेस का जो उत्साह है वो चुनाव को लेकर के,
ठीक है कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ी विडंबना यह देखने को मिलती है कि आज भले ही सारी चीजें एक छत के नीचे दिखाई दे रही हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या चुनाव वास्तव में चुनाव को लेकर के निकाय चुनाव में कांग्रेस इसी गंभीरता के साथ उतर पाएगी, क्योंकि अभी तो दो सीटें थी और दो चीजों को लेकर के वहां चीजें स्पष्ट थी। मंगलौर में काजी निजामुद्दीन का टिकट स्पष्ट था, चमोली को लेकर के थोड़ी गलत रही होगी लेकिन वो बाद में स्थापित हो गया था कि ठीक है वहां पे बटोला जी चुनाव लड़, लेकिन कांग्रेस के भीतर एक स्थिति अभी भी ये बनी हुई है और कहीं ना कहीं जो चुनाव वो बयान निकल करके आते हैं बड़े नेताओं के वो उस स्थिति को लेकर के और एक तरीके से उलझन पैदा करते हैं। ठीक है, भाजपा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाजपा अभी उस कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रही है चुनाव, और जनता का वो जो विश्वास उसने उसको लग रहा है कि जो विश्वास कम हुआ है। एक बात अभी चौधरी जी ने कही बड़ी थी, मुझे बहुत तार्किक बात लगी कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य विधान में राज्य में जो मुद्दा हुआ था वो प्रधानमंत्री को लेकर के था, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्य हैं उत्तराखंड में दिख रहे हैं केंद्र सरकार के, लेकिन राज्य सरकार को लेकर के थोड़ा सा सवाल वो कटघरे में है और वो एक बड़ा वजह बन रहा है भाजपा के लिए। ऐसे में जनमत जन समर्थन उनके पक्ष में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ठीक है, बिल्कुल, देखिए जन समर्थन उनके पक्ष में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा ये एक बड़ी वजह है। फिलहाल देखना होगा कि देखिए चुनाव किस तारीख तक होते हैं और जो तारीख कोर्ट की ओर से निर्धारित की गई है क्या उसके पहले सरकार चुनाव करा पाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए। तो देखिए निकाय चुनाव पास लेकिन विपक्ष को अभी भी नहीं है आज, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार की ओर से उतना काम नहीं किया गया, जो प्रक्रियाएं थी वो पूरी नहीं की गई और यही वजह है कि चुनाव तारीख के पहले नहीं कराया जा सकेगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही, आप देखते रहे। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले